Next, Mendel self-motivated the F2 plants and found that dwarf F2 plant, जो उन्हें self-molination की थी F2 plant सी, तो जो dwarf character सी, that will goes into F3 and F4 generations also. So he concluded उन्हें result कढ़िया the genotype of dwarf the, it mean के dwarf the जो genotype आ, that is small t, means that is in the recessive form. So it is clear from the above that genotypic ratio can be calculated using mathematical probability. के असी जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं जे सानू फिनोटाइपिक पता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे नाल. ठीक है, इस नू एक्सप्लेन करन टू फाइंड द हाउ कैन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर, हाउ कैन यू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट. दिस इज डन बाय अ टेस्ट क्रॉस. मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट और एफ ऑफ फ्रॉम F2. F2 का एक उन्हें टॉल चक्या क्योंकि उन्हें जीन वाइज कुछ नहीं सी पता, उन्हें एक टॉल चक लिया, चाहे वो करैक्टर्स ऑन आ वाले चाहे वो करैक्टर्स होन ए वाले, उन्हें टॉल एक चक्या. एंड दैट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट नाल उन्हें कीता क्रॉस. दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस. जो असं एक टॉल प्लांट नूं ड्वार्फ प्लांट नाल क्रॉस करते हैं उन्होंने कहने टेस्ट क्रॉस. सानू दा जीनोटिपिक नहीं पता. इट इन डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इन सेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग. सेल्फ क्रॉसिंग नहीं की जाती. दे हैव टेकन द एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू हेयर ओन. पहली बारी वो डोमिनेंट फिनोटाइप नू क्रॉस करता रिसेसिव पेरेंट नाल, फिर थोड़े को दोनों बारी जिन अलग अलग दो डोमीनेंट प्लांट ने उन्होंने क्रॉस करवाता, उन्हें तो पता ही नहीं सी भी की फिनोटिपिक आ. इस एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लए ने थोड़े को टेस्ट क्रॉस में वायलट कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर. वायलट कलर इज डोमीनेंट एंड वाइट कलर इज रिसेसिव. हेयर दिस वायलट कलर जिहदा सानू जीनोटाइप नहीं पता, हुण जिहड़ा वायलट कलर आ इहदे विच दोनों डोमीनेंट जीनोटाइप भी हो सकते हैं, इनू क्रॉसिंग करवानी है रिसेसिव पेरेंट नाल. साडे कोले गैमिट आ गए आ स्मॉल डबल्यू आ गया आ कैपीटल. तो जो इन्हों की क्रॉसिंग की तो साडे कोले किहड़े आ गए, सारे वायलट फ्लावर आ गए. इन्हां दे विच रिसेसिव करैक्टर प्रेजेंट आ बट रिसेसिव डोमीनेंट ने उन्होंने वायलट कलर देता रिसेसिव वाइट कलर. ये इन दिस केस उन्हें ले सी ए वाला जिहड़ा वाइट सॉरी वायलट फ्लावर आ, ये जिहड़े जीनोटाइप आ उन्हें नहीं सी पता, उन्हें वैसे कराता. फिर उन्हें एक होर ले लिया वायलट, उन्हें फिर रिसेसिव पेरेंट नाल ही क्रॉस कराया. हुण मे भी पॉसीबल कि उहदे विच ए जीनोटाइप हो सकते हैं, मतलब उन्हें 3, 4, 5, 15, 20 होर इन्ने क्रॉस कराए होणगे तां उहदे कोले आ वाले करैक्टर्स बन गए. ठीक है, ये करैक्टर्स दे विच एक आ स्मॉल आ गए आ एक कैपिटल एक स्मॉल, तो साढ़े को जी रोशो आई आ वह 2 वो कोड़े आ गए वायलट तो 2 कि आ गए वाइट फ्लावर. हूँ ये तो असी जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ऑब्जरवेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज. अकॉर्डिंग टू दिस अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमीनेंट, अननोन फ्लावर इज हेटरोजाइगस. इत्थे जिहड़ा अननोन फ्लावर आ हेटरोजाइगस है, इत्थे जिहड़ा अननोन फ्लावर आ होमोजाइगस है. मीनस जिहड़े आ फ्लावर नाल पेरेंट नूं क्रॉस कराया होमोजाइगस आ डोमीनेंट, जिहड़े आ फ्लावर जदों इस नूं आ पेरेंट नूं इस फ्लावर नाल क्रॉस कराया ये किहड़ा आ हेटरोजाइगस. ते जे हेटरोजाइगस आ तां हाफ फ्लावर वायलट होणगे हाफ वाइट होणगे, जे होमोजाइगस आ तां सारे वायलट होणगे. इस ऑब्जरवेशन के उत्ते उन्हें दो रूल दिते, उन्होंने कहता लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसीपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट लॉ ऑफ डोमीनेंस है एंड सैकेंड लॉ ऑफ सैग्रीगेशन. असी नैक्सट करांगे.